नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। जब से ये खबर सामने आई है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू में आ रहे हैं, तब से उनके कार्यकर्ताओं, तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो उनके समर्थक हैं, उनमें ज़्यादातर जो खुशी देखने को मिल रही है, तस्वीरें जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, ऑल J&K किसान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस वक्त उनका स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें। और आपको ये भी बता दें, गुरु राम चौधरी चेयरमैन किसान कांग्रेस के, वो भी इस वक्त जो है सामने। आपको ये भी बताते चलें कि इस बीच 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज़ाद साहब जो हैं 27 फरवरी को जम्मू में गुरु रविदास सभा, गांधी ग्लोबल फैमिली के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और आपको ये भी बताते चलें, आज मंदिरों के शहर जम्मू में वो आ रहे हैं, और एक ऐसे लीडर जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम का साथ दिया, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ बने, किस तरीके से आज स्वागत किया जा रहा है गुलाम नबी आज़ाद जी की बात करें। रही गुलाम नबी आज़ाद की बात, वो बड़े नेता हैं, वो हिंदुस्तान की आवाज़ हैं, वो जहाँ कदम रखते हैं वहाँ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक चहेते नेता हैं, और आज वो हिंदुस्तान के भी चहेते नेता बन चुके हैं। उनकी ऐसी पदवी है कि हर बच्चा उनको चाहता है। जम्मू कश्मीर का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी मतलब गांव का चाहे हो, बॉर्डर के लोग हों, उनको आज़ाद साहब से बहुत उम्मीदें हैं कि आज़ाद साहब आएंगे कुछ बदलेगा। और जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार से आम आदमी बहुत तंग है, आम आदमी बहुत परेशान है। हम चौधरी गुरुराम की क्यादत में सभी किसान भाई जो हैं आज आज़ाद साहब का वेलकम करने आए हैं, और स्टेट में आज खुशी का माहौल है कि हमारे जो चहेते नेता हैं आज वो जम्मू में कदम रख रहे हैं। एक चीज़ तो आपको बताएं कि तमाम खुशी है इस वक्त, तमाम कार्यकर्ता जम्मू एयरपोर्ट के पास हैं, और देखिए आप स्वागत करने के इंतज़ार में अभी तमाम जो यहाँ पर, अगर हम बात करें ऑल J&K किसान कांग्रेस गुरु राम चौधरी जो हैं चेयरमैन, उनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब एक सवाल, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए भावुक होकर आंसू बहाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बात ये है कि मैं भी CM रहे गुलाम नबी आज़ाद साहब, तो मैं उनका चीफ व्हिप था। मैंने देखा कि चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, लोग जो हैं, जो लोग हैं, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो जी, और मेंबर जो है MP हो या असेंबली मेंबर हो, वो सीखता है गुलाम नबी आज़ाद साहब से। इसलिए वो PM साहब ने कहा, उनके मन में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो है वो जा रहा है जिससे सारे हिंदुस्तान के जो MP हैं वो सीखते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत ज़रूरत है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वो आ जाएंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर का सब लोगों का बड़ा हो जाए। खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे, एक लंबे समय के बाद आ रहे हैं। बहुत, देखो जी, बात ये है, मैं उनके साथ आया हूँ, उनका 24 घंटे में वो 22 घंटे वो काम करते हैं लोगों के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए, किसानों के हक के लिए, रोज जो बच्चे हैं उनके लिए, तो हमें खुशी नहीं अगर होगी? देखो कितने किसान ट्रैक्टर लेकर आए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ कोरोना भी है लेकिन परवाह नहीं कर रहा कोई भी आदमी, क्या है क्या नहीं है। हम वेलकम करेंगे आज़ाद साहब का जोर से, बिल्कुल, के आज़ाद साहब आए हैं, जहाँ 3 दिन का जो दौरा है उसमें शामिल होंगे सारे लोग, और खुशी खुशी जो है वेलकम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे नेता जिन्हें जम्मू कश्मीर से भरपूर प्यार मिलता है, खासकर जम्मू की बात करें तो जम्मू के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे नेता जिन्होंने जम्मू के लिए भी उतना ही सोचा जितना कि कश्मीर के लिए।
अब 3 दिवसीय दौरे के लिए जम्मू में आए हैं, जम्मू में आ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ऑल जेएंडके किसान कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके आने की खुशी इजहार कर रहे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही समय में गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो जम्मू की धरती पर कदम रखेंगे और उनके आने की खुशी में तमाम कार्यकर्ता, अभी आपने देखा कि बहुत सारे जो उनके समर्थक थे वो बाइकरों पर सवार होकर गए। और अब ये देखिए था सामने तिरंगों से स्वागत, जनाब तिरंगे से स्वागत किया जा रहा है। और तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि देश सर्वोपरि, हमारा तिरंगा सर्वोपरि। और जब गुलाम नबी आजाद साहब जब जम्मू की धरती पर कदम रखेंगे वो भी तस्वीरें जम्मू परिवर्तन आपको दिखाएगा। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मन्हास के साथ जय हिंद।